नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर सीएम गहलोत को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस। फीडबैक लेने पहुंचे कांग्रेस के मंत्री के सामने जमकर चले लात, इस बात पर हो गई कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज, नड्डा बोले राजस्थान में गृह लूट सरकार जो घरों को लूटती है। भिलवाड़ा के पुलिसकर्मी ने लहराया परचम, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, पुलिस ने शुरू की जांच। अब समाचार विस्तार से। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में गहलोत के खिलाफ जारी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस जनहित याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें न्यायपालिका पर टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करने वाली गहलोत की टिप्पणी के बाद स्थानीय अधिवक्ता शिवचरण गुप्ता ने बृहस्पतिवार को यह जनहित याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन, पुलिस तथा राजनीतिक पार्टियां जुटी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भी प्रत्याशियों के आवेदन लेकर फीडबैक ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 25 सदस्यों की टीम बनाई है, जो सभी जगह जाकर कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोगों का फीडबैक लेकर प्रदेश कार्यालय पर रिपोर्ट करेंगे। करौली जिले से कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोगों का फीडबैक लेने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर करौली के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया और उसके बाद जैसे ही मंत्री संवाद के लिए जाने लगे, टिकट के दावेदारों के समर्थक नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के बीच धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते टिकट के दावेदारों के समर्थकों के बीच लात और घूंसे चलने लगी। कार्यकर्ताओं के बीच लात और घूंसे चलने से सर्किट हाउस में अफरा तफरी मच गई। माहौल बिगड़ता देख करौली एसपी सुरेश जैफ और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत कराया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार उन सभी पदों को भरना चाह रही है जहां पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में सभी विभागों में अभियान जारी है। अब बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को कॉलेज शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पद, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के 247 पद एवं सहायकाचार्य गृह विज्ञान के 49 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा का आज 2 सितंबर को आगाज किया गया। सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत भाजपा के नेता आदि मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा को शुरू करने से पहले आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने राजस्थान की गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए लोगों से आह्वान किया कि अगर वे राज्य में परिदृश्य बदलना चाहते हैं तो सरकार बदले। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को घरों को लूटने वाली गृह लूट सरकार बताते हुए कहा कि सरकार ने विधायकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी है और पैसा दिल्ली में पार्टी के आकाओं की जेब भरने के लिए भेजा जाता है।
राजस्थान पुलिस अपराधियों को पकड़ने के साथ अब विदेशी धरती पर अपना परचम लहरा रही है। हाल ही में कनाडा में संपन्न हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 प्रतियोगिता में भीलवाड़ा जिले के पुलिसकर्मी बंटी डायर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह गोल्ड मेडल उन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हासिल किया। सब पुलिसकर्मी बंटी डायर ने वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2023 प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारी अच्छे स्तर पर की थी। इसके लिए उन्होंने अपने कई पसंदीदा चीजों को भी छोड़ा था। बंटी ने अपनी भूख पर भी कंट्रोल कर मेहनत और लगन और लगातार परिश्रम के साथ मुकाम हासिल किया है। बंटी की कामयाबी पर भीलवाड़ा जिले के लोगों में खुशी की लहर है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद पुलिस विभाग की ओर से उन्हें प्रमोशन देने की बात कही गई है। आने वाले समय में इससे पुलिसकर्मियों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी खेलों में अपनी पहचान बनाएंगे। भीलवाड़ा शहर के रहने वाले पुलिसकर्मी बंटी डायर कहते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में ऑल इंडिया में पुलिस के जवानों ने गोल्ड जीता, उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 80 देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां गुरुवार को कथित तौर पर एक आदिवासी महिला को उसके पति ने पीटा, निर्वस्त्र किया और उसके गांव में घुमाया। हमले के चौंकाने वाले वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर पति 21 वर्षीय महिला को उनके घर के बाहर निर्वस्त्र कर रहा है और वह मदद के लिए चिल्ला रही है। महिला गर्भवती बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते में थी, जिसके कारण उस पर हमला हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान की शर्मसार करने वाली इस घटना पर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। दरियाबाद में महिला को नग्न घुमाए जाने के शर्मनाक मामले ने राजस्थान की छवि को फिर से दागदार कर दिया है। राजस्थान में कुछ दिनों बाद चुनाव होना है, उससे पहले हुई शर्मनाक घटना ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इधर घटना की जानकारी सामने आते ही सीएम अशोक गहलोत ने मामले की तुरंत जांच, आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक से सजा दिलाने की बात कही है। सीएम के निर्देश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर निर्देश दिनेश एमएन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में 11 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दरियाबाद पहुंच चुके हैं। वो पीड़िता से मुलाकात के बाद पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे। इधर पुलिस ने दावा किया है कि इस घटना में 12 घंटे के अंदर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 आरोपी हिरासत में हैं। पूज्य भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी
का दो दिवसीय कार्यक्रम हनुमंत कथा वाचन व दिव्य दरबार अन्नपूर्णा नगरी 12 की पावन धारा पर 3 व 4 सितंबर 2023 को लगने जा रहा है। आज 2 सितंबर 2023 को ऐतिहासिक विशाल कलश यात्रा में हजारों संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कल 30 सितंबर को 12 आगमन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत अभिनंदन व शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा का दरबार लगेगा। 4 सितंबर को सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। कथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगी। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। रेलावन कस्बे से केलपुरी जी यात्रा कंपनी संचालक अंकिता पारेता मुकेश प्रजापति ने बताया कि केलपुरी यात्रा कंपनी की तरफ से 150 यात्री चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और अखंड ज्योति व ध्वज लेकर रवाना हुए भक्तों का कई जगह स्वागत किया गया। इस दौरान बड़े उत्साह के साथ भक्तों ने आनंद लिया, जमकर नृत्य किया, आतिशबाजी की और रवाना हुए। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। इटावा में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर कोटा जिला की पीपलदा विधानसभा के ग्राम पंचायत ताकरवाड़ा में विधानसभा सदस्यता अभियान संयोजक सुरेश शर्मा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुरेश शर्मा ने मिस्ड कॉल करवाकर कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। इस दौरान विधानसभा संयोजक सुरेश शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हर वो व्यक्ति ग्रहण करे जो राष्ट्रहित में अपनी अहम भूमिका निभाने को अड़िग है। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व में अहम भूमिका दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आज सार्थक नजर आ रहा है। इस अवसर पर महेश शर्मा, चोपड़खेड़ी, प्रेम शंकर मालवा, हरीश मालवा, हनुमान मालव, शिवराज सुमन, वीरेंद्र गुर्जर, राकेश मालवा, देवकीनंद मालवा, शिवराज गुर्जर, पवन सेन, मुकेश योगी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं समाचार। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर सीएम गहलोत को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस। फीडबैक लेने पहुंचे कांग्रेस के मंत्री के सामने जमकर चले लात, इस बात पर हो गई कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज, नड्डा बोले राजस्थान में गृहलूट सरकार जो घरों को लूटती है। भिलवाड़ा के पुलिसकर्मी ने लहराया परचम, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, पुलिस ने शुरू की जांच। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।